नमस्ते बच्चों अध्याय पंद्रह में आपका स्वागत है जिसका नाम है आलेखों से परिचय यानी कि हम आज आलेखों से परिचित होंगे कुछ आलेखों के बारे में हमने आंकड़ों के प्रबंधन नाम के अध्याय में पहले से हम परिचित हो चुके हैं और कुछ आलेखों के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम आज के अध्याय में करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आलेखों से परिचय देखिए एक होता है दंड आलेख इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने आंकड़ों के प्रबंधन नामक अध्याय में की थी ये किस लिए होते हैं ये दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है दंड आलेख तुलना करने के लिए कैसे जैसे कि मान लो एक कंपनी है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अलग अलग तीन महीनों में कितनी कितनी कार्य मना रही है तो उनकी हम तुलना करेंगे तो उसमें काम आता है दंड आलेख अब हम देखेंगे दंड आलेख होता कैसा है तो देखिए दंड आलेख कुछ इस तरह का होता है देखिए इसमें ये जो दिखाया गया है इसमें ये जो बनाया गया है ये दंड होते हैं ठीक है ये दंड है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखिए तीन अवधि अवधि टेस्टों में तीन अवधि टेस्टों में एक विद्यार्थी के गणित में प्राप्तांकों को क्या किया गया है तुलना की गई है हमने क्या पढ़ा था कि दंड आलेख किस में काम आता है किन्हीं चीजों की तुलना करने में दंड आलेख काम आता है जैसे इसकी फर्स्ट जो पहली जो अवधि टेस्ट थी जिसमें मान लो इसमें इस दिया हुआ है उस हिसाब से इसके पच्चीस नंबर प्राप्त हुए थे उसको और दूसरी जो दूसरी जो अवधि टेस्ट थी उसमें इसके तीस मार्क्स तीस नंबर प्राप्त हुए थे इसी तरह से तीसरे में मान लो इसके हुए थे यहाँ पर पैंतालीस नंबर प्राप्त हुए थे तो ये ये एक दंड आलेख है जो कि, किन की तुलना कर रहा है विभिन्न अवधि टेस्टों में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंकों की तुलना ये कर रहा है ठीक है इसमें ये ये जो बने हुए हैं ये दंड है ठीक है और ये दंड उद्रवादर, या फिर इस तरह से इधर क्षतिज में भी कई बार बनाए जा सकते हैं ठीक है तो ये है एक दंड आलेख जो विभिन्न वस्तुओं की तुलना करता है तो ये एक दंड आलेख है और एक होता है द्विदंड आलेख ये द्विदंड आलेख है द्विदंड आलेख क्या होता है कि साथ साथ में दो दो की तुलना करता हुआ चलता है जैसे कि मान लो यहां पर बिक्री किलो में किन्हीं फलों की बिक्री दिखाई हुई है इसमें फलों की बिक्री दिखाई हुई है दो वारों में एक मंगलवार को और एक सोमवार को दोनों को एक साथ चल रही है तो यहां पर देखिए आम की बिक्री है विभिन्न फल आगे आम की बिक्री है तो ये वाली है जो ये सोमवार की है और ये मंगलवार की है तो दोनों वारों को जब हम इसके साथ एक साथ देखेंगे तो ये आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे और उनकी तुलना क्या हो जाएगी स्पष्ट हो जाएगी इसी तरह से सेव की बिक्री दिखाई हुई है यहां पर ये सोमवार की ये मंगलवार की इसी तरह से संतरे की ये सोमवार की मंगलवार की इस तरह पपीते की दिखाई हुई है और केले की दिखाई हुई है तो ये है द्विदंड द्विदंड क्या होता है कि एक से अधिक चीजें होती हैं उनकी तुलना करते हैं और उनकी दोन दो दो समय की तुलना करते हैं दो एक साथ समय की एक साथ दो समय की तुलना करते हैं जैसे कि ये विभिन्न फल थे आम सेव संतरे पपीता केले ये विभिन्न फल थे और इनकी सोमवार और मंगलवार की दोनों की बिक्रियों को अलग 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 यहाँ तुलनात्मक रूप से दिखाया गया है तो इसके लिए कौन कौन सा आलेख काम में लेते हैं द्विदंड आलेख हम काम में लेते हैं आगे बढ़ते हैं आगे वाला जो जो आलेख है उसका नाम है वृत्त चित्र क्या नाम है वृत्त चित्र नाम है वृत्त चित्र क्या होता है वृत्त चित्र जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मेरा मेरा इस चीज में एक बटा तीन भाग है ठीक है जैसे जैसे चार दोस्त थे और उनको उनको कुछ इनाम मिला जैसे मान लो एक हजार रुपये इनाम मिला तो वो कहेंगे कि हमारा एक बटा चार चार हिस्सा है तो पूरे रुपयों में से उनका क्या है एक बटा चार चार हिस्सा है यानी कि संपूर्ण संपूर्ण कोई चीज है उसके विभिन्न भागों की तुलना करेंगे हम उनके लिए क्या कर ले बनाते हैं वृत्त चित्र बनाते हैं यानी मान लो एक हजार रुपये को मैंने क्या किया पूरा ऐसे दर्शा दिया और उसके विभिन्न भाग कर दिए मैंने चार भाग कर दिए तो चारों अलग अलग छात्रों को प्राप्त हो गए इसको एक बट्टा चार प्राप्त हुआ इसको एक बटा चार प्राप्त हुआ इसको एक बटा चार प्राप्त हुआ, हुआ। यानी इस संपूर्ण इसके विभिन्न भागों की तुलना करेंगे तो उसको वो उस वो किससे करेंगे हम वृत्त चित्र से या इसको दूसरा नाम बोलते हैं पाई चार्ट भी बोलते हैं तो देखिए ये एक वृत्त चित्र है ऐसा वृत्त चित्र ऐसा होता है और ये इसमें एक मान लो एक किसी टीवी चैनल किसी टीवी चैनल पर विभिन्न प्रकार की खबरें जो विभिन्न प्रकार की खबरें और मनोरंजन की चीजें चली वो इसमें दिखाई गई है यानी पूरे दिन में देखो 50 प्रतिशत चीजें उस पर मनोरंजन की चली 50 प्रतिशत मनोरंजन की चली और 10 प्रतिशत उस पर क्या चली सूचनात्मक चली और 10-15 परसेंट उस पर समाचार चले और खेल से संबंधित 25 परसेंट चले ठीक है तो ये देखिए ये संपूर्ण उसमें जो संपूर्ण पूरे दिन में जितने कार्यक्रम चले उनमें किसका कितना भाग है वो ये वृत्त चित्र क्या कर रहा है दिखा रहा है यानी कि संपूर्ण प्रोग्राम चले थे उनमें से पचास प्रतिशत किसका भाग है मनोरंजन का हम कह सकते हैं संपूर्ण जो चला था उसमें दस प्रतिशत सूचनात्मक खबरों का भाग है इसी तरह से समाचार का भाग, भाग तो पंद्रह का एक भाग है और उनकी क्या है तुलना की गई है तो वो किसमें करते हैं हम वृत्त चित्र में करते हैं आगे बढ़ते हैं आयत चित्र आयत चित्र कौन सा होता है आयत चित्र जैसे हम आंकड़ों के प्रबंधन नामक अध्याय में हमने पढ़ा था कि इस तरह के कुछ आंकड़े होते हैं जैसे 10 से 20 के बीच में कितना आया 20 के 30 के बीच में कितना आया 30 से 40 के बीच में कितना आया तो ये अंतराल वाले आंकड़े हैं इस तरह के अंतराल वाले आंकड़ों को जिस दंड आलेख में हम दर्शाते हैं उसका नाम है आयत चित्र आयत चित्र किस प्रकार का होता है देखिए आयत चित्र ये इस प्रकार का होता है इसको देखो ये देखिए ये एक आयत चित्र है इसको देखिए यहां से ये इस तरह से दर्शाया हुआ है ठीक है ये एक आयत चित्र है ये एक आयत चित्र है इस तरह से ठीक है ये विभिन्न अंतरालों की जो तुलना अंतरालों वाले आंकड़ों की तुलना की गई है जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो ये देखिए ये यहां से 40 से 50, 45 तक 40 से 45 तक है, इसका मान है वो चार था जैसे ये ये क्या है किलोग्राम यहां पर भार दिया हुआ है विभिन्न व्यक्तियों का कि भी कि कौन, कितना भार कितने व्यक्तियों में जैसे इसमें दिया है कि 40 से 45 तक कितने लोगों का भार है चार लोगों का है इसी तरह से 45 से 50 तक कितनों का है तो वो बारह का है यानी इसमें आंकड़े चल रहे हैं कैसे चालीस से पैंतालीस पैंतालीस से पचास इस तरह से ये अंतराल वाले आंकड़े चल रहे हैं अंतराल वाले आंकड़े चल रहे हैं तो ऐसे आंकड़ों के लिए कौन सा आलेख काम में लेते हैं हमें वो लेते हैं आयत चित्र काम में लेते हैं तो ये होता है आयत चित्र ठीक है ये पूरा क्या है आयत चित्र है इस तरह से ये है आयत चित्र यानी आयत चित्र में और अगर दंड आलेख की बात करें तो अंतर क्या है कि दंड आलेख ऐसे जुड़ा नहीं होता है दंड आलेख इस तरह से अलग अलग होता है और आयत चित्र है वो एक साथ जुड़ा रहता है ठीक है ये यहां से चला ऐसे ऐसे फिर ऐसे ये जुड़ा रहता है क्यों क्योंकि ये अंतरालों वाले आंकड़ों के लिए काम में लिया जाता है आगे बढ़ते हैं आगे हैं रेखा आलेख रेखा आलेख क्या होता है ये क्या करता है जो कम समय के अंतराल समय के अंतराल के साथ साथ आंकड़ों का परिवर्तन दर्शाता है जैसे कि अपन कई बार हॉस्पिटल वगैरह में किसी किसी मरीज के जो धड़कन है या कुछ और चीज़ है उनको या उनका तापमान है उनको डॉक्टर एक आलेख में दर्शाता है जिस, जिसको हम ऐसे देखते हैं कि वो आलेख इस तरह से तलता रहता है ठीक है ये होता है रेखा आलेख यानी कि ये रेखाओं से इस तरह से मिलकर बना होता है ये ये ज्यादातर क्या होता है निश्चित समय के अंतरालों के साथ जो आंकड़ों में परिवर्तन होता है उसको दर्शाने के लिए हम किस काम में लेते हैं रेखा आलेख को का काम में लेते हैं अब देखिए अगर रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो ऐसी एक रेखा आलेख ऐसा हो जो पूर्णतः खंडित रेखा हो यानी कि इस तरह से बन जाए इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो इस तरह से हो ये एक अखंडित रेखा बन जाए तो उसे बोलेंगे हमें रेखिक आलेख इसे क्या बोलेंगे रेखिक आलेख बोलेंगे देखिए ये एक रेखा आलेख है देखिए ये यहां से यहाँ गया यहाँ से ऐसा आया और यहाँ से ऐसा आया ये एक रेखीय आलेख है यानी ये क्या है समय के साथ साथ में तापमान में तापमान में जो वृद्धि है उसको दिखा रहा है ठीक है जैसे छह बजे इतना तापमान था फिर दस बजे इतना हो गया डिग्री सेल्सियस में ठीक है और फिर दोपहर को इतना था और शाम को छह बजे इतना हो गया तो ये एक क्या दिखा रहे हैं समय के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दिखा रहा है जो है रेखा आलेख आगे बढ़ते हैं रेखा आलेख से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं तो निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया लिया गया तापमान दर्शाता है यानी कि ये जो एक रेखा आलेख दिया हुआ है ये एक रोगी का प्रति घंटे में कितना तापमान परिवर्तित हो रहा है उसको दर्शा रहा है तो देखिए पहले इसको हम ध्यान से देख लेते हैं देखिए ये समय है और समय इधर ऐसे बढ़ रहा है ये नौ और दस ग्यारह बारह एक दो साय के तीन तक है और ऊपर क्या है तापमान है चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस ठीक है अब क्या है इससे संबंधित हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है तो देखिए प्रश्न क्या है इसको देखने के बाद में ये कह रहा है रोगी का तापमान एक बजे दोपहर क्या था दोपहर को एक बजे हमें इसका तापमान देखना है दोपहर का एक ये रहा दोपहर का एक बजे वह ये रहा और इस पर कितना तापमान दिखा रहा है हमें ये देखिए एक है और ये ये यहाँ पर इतना आ रहा है यहाँ यहाँ आ रहा है तो ये छत्तीस और सैंतीस के एकदम बीच में है यानी ये कहा कितना हो गया छत्तीस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि छत्तीस और 37 के एकदम बीचों बीच है तो ये दोनों का आधा आधा हो जाएगा यानी छत्तीस से पॉइंट पांच अधिक है और 37 से पॉइंट कम यानी छत्तीस पॉइंट ये एक के सीध में है तो ये कितना आ जाएगा छत्तीस पॉइंट आ जाएगा यानी कि पहले प्रश्न का पहले प्रश्न का क्या उत्तर आएगा कि दोपहर को एक बजे यहां पर अपन उत्तर लिखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा कि दोपहर को एक बजे कितना तापमान था? था तो वो था छत्तीस वो था छत्तीस पॉइंट पांच कितना था दोपहर एक बजे दोपहर एक बजे कितना तापमान था छत्तीस पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस था ठीक है अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे पास रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था हमें क्या देखना है कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था इधर से 38.5 देखिए ये 38 है और ये उन्चालीस है उनचालीस और है, 20, है, 38 के बीचों बीच ये यहाँ है 38.5 डिग्री सेल्सियस तो ये देखिए यहाँ पर किस सिद्ध में आ रहा है देखिए ये दो बार आ रहा है एक तो यहाँ पर आ रहा है लगभग ग्यारह बजे के और एक आ रहा है यहां पर बारह बजे दोपहर के बारह बजे आ रहा है ठीक है तो एकदम पूरा समय माने तो ये दोपहर के बारह बजे क्या था दोपहर के बारह बजे दोपहर के बारह बजे क्या है अड़तीस पॉइंट पांच दोपहर तो के बारह बजे अड़तीस था उसके बाद में प्रश्न पूछता है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान दो बार एक समान ही था तो ये समय क्या क्या थे देखिए दो बार एक ही समय समान था यानी कि इधर वाला समान आएगा तो दोपहर को एक बजे कितना था 36.5 और दोपहर को दो बजे भी कितना था 36.5 था तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि दोपहर को एक बजे दोपहर एक बजे दोपहर एक बजे तथा दोपहर एक बजे तथा दो बजे तापमान समान था दोपहर एक बजे और दो बजे तापमान क्या था सम्मान था आगे का प्रश्न है एक बजकर तीस मिनट पर रोगी का तापमान क्या था इस निष्कर्ष पर आप पहुंचे कैसे ये भी हमें बताना है तो देखिए चौथे का उत्तर कैसे लिखेंगे हम दोपहर एक बज के तीस मिनट पर देखिए दोपहर के एक बजकर तीस मिनट पर यानी कि दोपहर के एक बजकर तीस मिनट कहाँ आएंगे इन दोनों के बीचों बीच यानी ये एक बजकर तीस मिनट है तो इसके सीध में हम जाएंगे तो कौन सी लाइन हमें मिलेगी ये लाइन हमें मिलेगी और ये एक बजे से लेकर दो बजे तक एक ही सीध में जा रही है यानी कि यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये कितना आएगा यहाँ पर छत्तीस पॉइंट पाँच आएगा और निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे क्योंकि एक और दो के बीचों बीच था तो ये समय हमें पता चल गया कि कितना होगा एक बजकर तीस मिनट होगा जिस तरह से ये पता चला कि हमें 36 और 37 के बीच में बीचों बीच है वो छत्तीस है उसी तरह से ये पता चल गया कि एक और दो के बीचों बीच का समय कौन सा होता है एक बजकर तीस मिनट ये होता है वो तीस मिनट उससे पहले आ गया और इससे आगे आ गया तो एक बजकर तीस मिनट पर कितना तापमान था छत्तीस पॉइंट पांच डिग्री था तो हम कह सकते हैं कि एक बजकर तीस मिनट पर एक बजकर तीस मिनट पर कितना था छत्तीस पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस था और निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे एक तो पहला कारण तो था कि एक और, एक और, दो, के, एक और दो के बीचों बीच की लाइन की लाइन एक बजकर तीस मिनट को दर्शाती है ठीक है दूसरी बात हमें यह कैसे पता चला छत्तीस पॉइंट पांच का वो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि एक से दो बजे तक एक से दो बजे तक तापमान में कोई कम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो लाइन सीधी आई इसलिए डेढ़ बजे भी कितना हुआ उतना ही हुआ जितना एक बजे था और जितना दो बजे है ठीक है तो हमने इस तरह से क्या सीखा है अभी कि इस तरह से ग्राफ को हम देखेंगे और देख कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं आगे एक और प्रश्न लेते हैं देखिए एक निर्माता कंपनी है एक निर्माता कंपनी है उसकी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है ये बिक्री दर्शाई गई है इसकी ठीक है जैसे 2002, 2003, 2004, 2005, हजार और 2006 की बिक्री दर्शाई गई है और इधर बिक्री करोड़ रुपए में है यानी कि दो करोड़ रुपये की या चार करोड़ की या छः करोड़ की आठ की दस की इस तरह से दी हुई है देखते हैं यहाँ पर देखिए 2002 में चार करोड़ की बिक्री हुई है 2003 में सात करोड़ की हुई है इन दोनों के बीच में ये सात आ गया दो में छः की हुई है इसी तरह से 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई है और 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई है आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है इसमें पहले का पहले में दो प्रश्न है वर्ष 2002 में और 2006 में कितनी बिक्री थी तो देखिए वर्ष 2002 में ये देखिए ये चार इसको उधर ले जाएंगे और उधर ले जाएंगे तो ये बिंदु कहाँ आ रहा है यहां पर आ रहा है चार के साथ यानी कि 2002 में चार करोड़ की बिक्री हुई थी और 2006 में 2006 में ये यहाँ पर है तो 2006 में आठ करोड़ की बिक्री हुई तो हमारे ए ए का का पहले का उत्तर क्या है 2002 में कितनी हुई है चार करोड़ की चार करोड़ की बिक्री हुई है और दूसरा उत्तर आएगा 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई है 2006 में कितनी बिक्री हुई है 8 करोड़ की बिक्री हुई है ठीक है 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई है अब देखिए बी वाला, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2003 में और 2005 में कितनी बिक्री थी तो 2003 में 2003 में यहां पर बिंदु मिलता है इन दोनों के बीच में यानि कि सात करोड़ मिलता है देखिए आठ और छह के बीचों बीच है यानी कि क्या हो जाएगा सात करोड़ हो जाएगा यानि कि 2003 में कितनी बिक्री सात करोड़ की अब 2005 में देखते हैं तो ये इसके सीध में आता है यहाँ पर दस करोड़ यानी कि 2005 में कितनी बिक्री हुई दस करोड़ की बिक्री हुई है तो दूसरे का पहले का उत्तर आ जाएगा हमारा 2003 में कितनी है सात करोड़ और दूसरे का उत्तर आएगा 2005 में कितनी है 2005 में 10 करोड़ आ जाएगा ठीक है अब देखिए आगे वाला प्रश्न यानि सी देखिए सी हम देखते हैं तो वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में अंतर कितना है वर्ष 2002 और 2006 की बिक्री में अंतर कितना है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2002 में चार करोड़ है 2006 में आठ करोड़ है तो अंतर कितना हो जाएगा आठ करोड़ आठ करोड़ आठ करोड़ माइनस चार करोड़ तो अंतर कितना आ जाएगा तो अंतर आ जाएगा चार करोड़ का यानी कि 2006 और 2004 की बिक्री में अंतर कितना आएगा चार करोड़ का अंतर आ जाएगा और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर देखिए 2006 में ये आता है आठ करोड़ और इसी तरह से 2004 में देखें तो चार करोड़ यानी कि कितना अंतर आ गया चार करोड़ का अंतर आ गया डी देखिए किस अंतराल में किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था सबसे अधिक अंतर देखना है हमें किन दो के बीच में सबसे अधिक अंतर था तो ग्राफ में देखें यानी कि हमें सबसे ऊंचे वाला बिंदु और सबसे नीचे वाले बिंदु में अंतर याद करना है तो देखिए कि अगर हमें वर्ष पूछा है ठीक है तो हम दे बता देंगे कि कौन कौन सा वर्ष आ रहा है देखिए सबसे ऊंचा आ रहा है दस करोड़ सबसे कम आ रहा है चार करोड़ अगर बिक्रियों का अंतर पूछेंगे तो इस दस करोड़ में चार करोड़ घटा देंगे और अगर हमें ये पूछे कि किन दो वर्षों में सबसे अधिक अंतराल है तो 2005 में 10 करोड़ है और 2002 में 4 करोड़ है यानी 2005 और 2002 में सबसे अधिक अंतर है और कितना है 10 करोड़ माइनस चार करोड़ कितना हो गया 6 करोड़ का अंतर है तो 2005 और और 2002 की बिक्रियों में बिक्रियों में क्या है सबसे अधिक अंतर है सबसे अधिक अंतर है और अंतर है कितना अंतर कितना है अंतर है दस करोड़ दस करोड़ माइनस चार करोड़ तो कितने का अंतर है छह करोड़ का अंतर है कितने का है छह करोड़ का अंतर है ठीक है तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को देखकर इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे दिया है आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं हम नीचे ग्राफ दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों परिस्थितियों में दो पौधे हैं एक पौधा ए और एक पौधा बी उगाए गए हैं ठीक है यानी कि समान परिस्थितियों में वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोगशाला में दो पौधे उगाएंगे एक पौधे का नाम ए है एक पौधे का नाम बी है आगे देखिए क्या बोलते हैं तीन सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया यानी तीन सप्ताह तक उन दोनों पौधों की ऊंचाइयों को मापा गया सप्ताह के अंत में तो परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया और उनकी ऊंचाई नापने के बाद में जो परिणाम आए वो इस आलेख में हमें दिखा दिए हैं और इसको देखकर हमें क्या देना है उत्तर देने हैं तो देखिए इसमें जो पौधा ए है उसको इस डॉट 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 लाइन में बताया गया है है ना और जो एक गहरी लाइन है गहरी काली लाइन है उस उससे किसको बताया गया है पौधे बी को बताया गया है, ठीक है ये सप्ताह है इधर यह प्रारंभ का समय है यानी कि जीरो सप्ताह यानी जिस दिन से प्रारंभ किया था और यह पहला सप्ताह है एक जहां पर दो लिखा है दूसरा सप्ताह का अंत है और ये तीन लिखा हुआ है वह तीसरे सप्ताह का अंत है और इधर ऊंचाई है सेंटीमीटर में ठीक है यह चीज अपन ने देख ली और अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न तो देखिए पहला प्रश्न है कि दो सप्ताह बाद दूसरा कह रहा है तीन सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी पौधे ए को देखना है यानी कि यह वाली डॉट वाली लाइन है ऊपर ये डॉट वाली लाइन है इसको देखना है हमें ठीक है और यह बताना है कि दो सप्ताह के बाद में कितना कितनी ऊंचाई थी और तीन सप्ताह के बाद में कितनी ऊंचाई थी तो देखिए दो सप्ताह के अंत तक है, दो सप्ताह के अंत में ये यहां तक पहुंच गया था कौन कौन पहुंच गया था पौधा ए पहुंच गया था कहां तक पहुंच गया था यहाँ तक पहुँच गया था तो ये ऊंचाई कितनी है ये ऊंचाई है इस छः और आठ के बीच में यानी कि यह कितनी हो गई सात सेंटीमीटर यानी कि दो सप्ताह के अंत के दो सप्ताह के अंत में यानी दो सप्ताह बाद में ये हो गया था सात सेंटीमीटर का ठीक है <स्तव> उसके बाद में पूछा है तीन सप्ताह के बाद में कितना था यानी तीसरा सप्ताह का अंत हुआ तो ये था यहाँ पर यहाँ पर था नीचे आ गया डॉट डॉट लाइन वाले नीचे आ गए ये इसके गहरी लाइन के और ये है आठ और दस के बीच में यानी कि ये है नौ सेंटीमीटर तो जब तीन सप्ताह का अंत हो गया तो ये कितना हो गया नौ सेंटीमीटर हो गया तो हम इस प्रश्न का इस तरह से जवाब दे सकते हैं पहले का कि पहले में पहला है दो सप्ताह बाद में इसकी ऊंचाई कितनी हो गई थी देखिए सात सेंटीमीटर और तीन में हो गई थी नौ सेंटीमीटर तो दो सप्ताह दो सप्ताह बाद कितना है सात सेंटीमीटर ठीक है दूसरा तीन सप्ताह बाद में कितना है तीन सप्ताह बाद कितना है नौ सेंटीमीटर है कितना है नौ सेंटीमीटर है ठीक है पहले प्रश्न का उत्तर आ गया हमारा अब दूसरा प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पहले में क्या कहा है कि दो सप्ताह बाद में और तीन सप्ताह बाद में पौधे बी की ऊंचाई बताओ अभी हमने किसकी देखी है पौधे ए की ऊंचाई देखी है अब देखेंगे पौधे बी की ऊंचाई पौधा बी दो सप्ताह बाद में कहाँ है यहाँ पर है ठीक है यानि कि ये वही सात सेंटीमीटर का है और तीन सप्ताह बाद में ये यह यहाँ पहुंच गया है यानी कि ये कहाँ दस सेंटीमीटर तक पहुँच गया है यानी दो के बाद में कितना है सात और तीन के बाद में कितना हो गया दस सेंटीमीटर का हो गया पौधा बी तो दूसरे का पहला उत्तर क्या आ जाएगा कि दो सप्ताह बाद में कितना है ये दो सप्ताह बाद में तो सात सेंटीमीटर था और तीन सप्ताह बाद में क्या आ गया तीन सप्ताह बाद में आ गया दस सेंटीमीटर ठीक है अब देखिए प्रश्न नंबर तीन यानी सी तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी बताना यह है कि तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी थी तो देखिए अगर तीन सप्ताह के बाद में यानी तीन सप्ताह के अंत में और दो सप्ताह के अंत में इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाए तो हमारे क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा पहले ग्राफ में देख लेते हैं ग्राफ में दो सप्ताह के बाद में वो सात सेंटीमीटर का था और तीन सप्ताह के बाद में वो कितना था नौ सेंटीमीटर का था तो अंतर कितना हुआ नो माइनस दो यानी कि दो सेंटीमीटर तो सी का उत्तर लिखें तो क्या है पौधे ए की ऊंचाई तीसरे सप्ताह में तीसरे सप्ताह में कितनी ऊंचाई बढ़ी है पौधे ए की ऊंचाई बताओ कितनी बढ़ी तीसरे सप्ताह के अंत में कितना था नौ सेंटीमीटर और दूसरे सप्ताह के अंत में कितना था सात सेंटीमीटर यानी कितनी बड़ी दो सेंटीमीटर बढ़ी कितनी बड़ी दो सेंटीमीटर बढ़ी ठीक है अब देखिए आगे वाला पर्सन पर्सन डी क्या कह रहा है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई वही है कि इसकी भी यही है बढ़ी कितनी है क्या तीसरे सप्ताह में यानी दूसरे तीसरे सप्ताह के अंत में जो ऊंचाई है उसको उसमें से क्या घटा देंगे हमें दूसरे सप्ताह के अंत में जो ऊंचाई थी तीसरे सप्ताह के अंत में इसकी ऊंचाई दस सेंटीमीटर थी और दूसरे सप्ताह के अंत में, में कितनी थी? 7 थी। तो कितनी थी? थी। सेंटीमीटर तो पौधे पौधे की की ऊंचाई ऊंचाई बड़ी है ऊंचाई इस दस सेंटीमीटर में से दस सेंटीमीटर में से सात सेंटीमीटर घटा देंगे तो उतर आएगा तीन सेंटीमीटर बड़ी थी ठीक है बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई ग्राफ देखा पहले ठीक है उसके बाद में ग्राफ से संबंधित है जो प्रश्नों का हमने आसानी से उत्तर दे, दे दिया कैसे दिया ग्राफ को देखते हुए हमने इसका उत्तर दिया है ग्राफ पर जो रेखा आलेख बना हुआ था उसको देखकर हमने इसका उत्तर दे दिया आगे देखिए आगे प्रश्न है निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए इस तालिका का हमें उपयोग करना है और एक रेखिक आलेख बनाना है ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें पहला है विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या यानी कि 2003 में इसमें हिमपात हुई थी आठ दिन और 2004 में इस में हिमपात दस दिन हुई थी 2005 में पांच दिन हुई थी 2006 में बारह दिन हुई थी तो हम क्या करेंगे यहां पर इस तरह से ऐसे बना लेंगे और ये जो छत्तीस है यानी इसको एक्स एक्स भी बोलते हैं इसको क्षतिस छत्तीस या एक्स एक्स भी बोलते हैं ठीक है और इसको उध्रवाधर उध्रवाधर एक्स अथवा भी बोलते हैं ठीक है तो इस एक्स एक्स पर हम क्या ले लेंगे वर्ष ले लेंगे वर्ष ले लेंगे यानी कि 2003, 2004, 2005 इस तरह से ले लेंगे और इधर दिनों की संख्या ले लेंगे क्या ले लेंगे दिनों की संख्या ले लेंगे तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से बनाते हैं तो ये हमने इस तरह से बनाया ठीक है और यहां पर यहां पर क्या है वर्ष है वर्ष है यहां पर ठीक है तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 2003 4 5 6 आ रहे हैं तो यहां पर देखिए 2003 यहाँ पर हमने लिखा 2004, हजार चार यहाँ पर हमने लिखा 2005 और यहाँ पर लिखा 2006 और अब इधर क्या है दिनों की संख्या है वो लेंगे हम तो इधर हमने दिनों की संख्या ले ली तो यहाँ पर दिनों की संख्या आ गई ये जीरो ये आ गया दो ये आ गया चार ये आ गया छठ और ये आ गया दस और ये आ गया बारह और ये आ गया चौदह इस तरह से ये कौन सी एक्स है वाई एक्स है ये कौन सी एक्स है वाई एक्स या उध्रवाद एक्स है और ये कौन सी एक्स है ये एक्स एक्स है या फिर एक्स है अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 2003 में जो मान दिया हुआ है दिनों का यानी दिनों की संख्या दी हुई है वो है आठ तो 2003 के सामने यहां पर आठ पर ऐसे बिंदी हम लगा देंगे ठीक है अब देखिए 2000-2004 में 10 दिन दिए हुए हैं तो यहाँ पर 2004 के सामने यहाँ पर 2010 पर हम क्या लगा देंगे इस तरह से बिंदी लगा देंगे यानी इसको पॉइंट बना देंगे उसके बाद में 2005 में पाँच है और 2006 में बारह है तो 2005 में तो पाँच है यानि चार और 6 के बीचों बीच यानी कि यहां पर ठीक है उसके बाद में 2006 में है 12, तो ये यहां पर इस सीध में आएगा ये आ गया 2006 का 12. अब इन सभी को क्या कर देंगे हम मिला देंगे तो इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया इसको हमने इससे मिलाया तो इस तरह से ये हमारा एक रेखा आलेख बन गया ये हमारा क्या बन गया एक रेखा आलेख या फिर कहें कि रेखिक आलेख बन गया ठीक है तो इस तरह से हम रेखा आलेख अथवा रेखिक आलेख बना सकते हैं हमने क्या किया इस टेबल में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग किया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर विभिन्न मान रखते हुए हमने इसको बना लिया इधर क्या है वर्ष है इसमें और इधर है दिनों की संख्या इधर क्या है दिनों की संख्या ठीक है अब देखिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित है विभिन्न वर्षों में विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों स्त्रियों की संख्या हजारों में दी हुई है यानी कि विभिन्न वर्ष है उनमें पुरुषों की संख्या कितनी हजार थी और महिलाओं की संख्या कितने हजार थी ये इस टेबल में हमें अच्छे तरीके से दिया हुआ है देखिए हमारे पास यहाँ पर यानी कि एकस पर लेने के लिए वर्ष है ठीक है उसमें ले लेंगे 2003 2004 2005 2006 2007 ठीक है तो यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों दोनों की संख्याओं को हमें चलाना पड़ेगा किसमें वाई एक्सीज में तो किस तरह से करेंगे देखिए आगे वाले स्लाइड में बनाते हैं हम इसका रेखीय आलेख ठीक है ये यानी एक्स एक्स है और ये है वाई एक्स ये क्या है वाई एक्स है ये क्या है वाई एक्स है ठीक है एक्स एक्सीज पर हमने क्या लिया है वर्ष लिए हैं क्या लिए है? वर्ष लिए हैं और वर्ष कहां से कहां तक है दो हजार तीन चार पाँच छ और सात दिए हैं तो यहां पर हमने ले लिया दो हजार तीन दो हजार चार दो हजार पांच दो हजार छ और दो हजार सात ठीक है इधर हमने क्या लिया है पुरुष और स्त्री दोनों है तो इनकी संख्या हम यहाँ ले क्या लेंगे व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या और ये किस में है हजारों में है किस में है हजार में है ठीक है हजार में है तो हमने क्या कहां से शुरू किया यहां से शुरू किया और ये लिखा दो यहां पर कोई आता है इसका मतलब क्या है ये दो हजार है ठीक है ये चार ये ये आठ ये दस और ये बारह और ये चौदह आ गया ठीक है तो अब देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे अब हम क्या करते हैं यहां पर ये पैमा लिख देते हैं कि ये डॉट 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 ये तो है स्त्रिया और जो गहरी लाइन है वो है पुरुष क्या है पुरुष है ठीक है तो देखिए 2003 में 12 पुरुष है यानी 12000 हजार पुरुष और 11.3 क्या है स्त्रियां हैं 11.3 क्या है स्त्रियां है तो ये देखिए ये दस है और यहां पर आ जाएगा ग्यारह ठीक है यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्यारह आ जाएगा ग्यारह तीन है इन, इन दो संख्याओं के बीच में कितने होंगे कि दस अब ये ये दस है और ये बारह है इनके बीच में दस लाइन है कितनी लाइन है दस लाइन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये दस ठीक है ये दस लाइन है तो यहां पर ये ग्यारह आ गया पांचवी पर यानी कि ये एक लाइन है वो किसको दर्शा रही है जीरो पॉइंट दो को तभी तो इस पांच लाइन आते कितना आ गया एक आ गया ठीक है एक छोटे वाली लाइन कितनों को दर्शा रही है जीरो पॉइंट दो को दर्शा रही है यानी कि इस चोट, एक छोटे वाली और एक छोटे वाली लाइन के बीच में ये मैं इसको जूम आउट करके यहां पर लिख रहा हूं ये ग्यारह है ये सॉरी बारह है और ये दस है मान लो ये इतना बड़ा है मान लो तो यहां पर 12 ये बारह ये दस और इनके बीच में लाइन होती है दस यानी कि एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये बारह यहां पर हमने बना दिया ठीक है ये दस लाइन जब आई तो हमारे संख्या में परिवर्तन कितना हो गया दो का हो गया यानी दस लाइन कितना परिवर्तन कर देती है अंकों में दो का परिवर्तन करती है तो एक लाइन कितने करेगी दो बटा दस यानी कि जीरो पॉइंट दो का तो ये जीरो पॉइंट दो यानी कि ये दस पॉइंट दो यहां जाएगा ये दस पॉइंट चार ये दस पॉइंट छह दस पॉइंट आठ फिर ये क्या हो जाएगा यहां पर ग्यारह देखो पांचवी लाइन में आ गया ग्यारह और हमें क्या निकालना है ग्यारह पॉइंट तीन तो ये वाली लाइन कितनी आएगी वाली लाइन आएगी 11.2 और यह आएगी 11.4 यानी इन दोनों लाइनों के बीच में क्या आएगा ग्यारह पॉइंट तीन आ जाएगा अब चलिए हमारे इस ये यहां पर हमने जूम करके दिखाई है वापिस यहां पर चलिए यानी कि इसकी पहली लाइन के बीच में यानी यहां पर आएगा ये ठीक है यहां पर आएगा 2000 ये बात हो रही है हमारी 2003 की स्त्रियों में ठीक है पुरुषों में तो कितने हैं बारह है कितने हैं बारह है तो पुरुष में तो बारह आ जाएंगे यहां पर ये पुरुषों में आ गए ठीक है पुरुषों में आ गई अब स्त्रियों में कितनी आई यहां पर आई है ये मैं एक सफेद बिंदी बना रहा हूं ताकि स्त्रियों का पता चल जाए यहां पर स्त्रियां आ गई अब देखिए 2004 में पुरुष 12.5 है और स्त्रियां ग्यारह पॉइंट और ग्यारह हमारा इसमें पैमाना ध्यान रखना हमें ग्यारह पॉइंट नौ और बारह पॉइंट पांच तो ये देखिए बारह पॉइंट दो और बारह पॉइंट चार बारह पॉइंट छह यानी कि यहां पर आ जाएगा तो पुरुष आ जाएगी यहां पर इस सीध में ये 2004, ये 2004, ये पुरुष है ठीक है ये क्या है पुरुष आ गए ये पुरुष आ गए अब देखिए स्त्रियां कितनी है ग्यारह पॉइंट नौ है तो ये ग्यारह पॉइंट कहां पर आएंगे ये ग्यारह पॉइंट आठ है और ये ग्यारह पॉइंट नौ यहां पर आ जाएगी स्त्रियां यहां पर क्या आ गई स्त्रियां आ गई ठीक है ये आ गई स्त्रियां अब देखिए 2005 में तेरा तेरा दोनों 2005 में दोनों ही तेरह तेरा, तेरा यानी कि एक दो तीन चार पांचवी लाइन पे पा आ जाएगा ये चौथी यहां पर पांचवी लाइन पे दोनों क्या है तेरा तेरा है तो 2005 में ये तेरा तेरा दोनों ही एक जीते ये दोनों ठीक है दोनों तेरह तेरा है अब दो हजार छ में दो हजार छ में तेरा पॉइंट दो और तेरा पॉइंट छ तेरह पॉइंट दो और तेरा पॉइंट छ दो हजार छ ये देखिए दो हजार छ आ रहा है इसमें एक में तेरा पॉइंट दो है और एक में क्या है तेरा पॉइंट छ है तो ये है तेरा ये यहां पर तेरा है ठीक है तो इसके बीच में देखिए ये तेरा पॉइंट दो पहली लाइन क्या है इसके जस्ट ऊपर वाली पहली लाइन क्या है तेरा पॉइंट दो तो यानी कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये छह दो हजार के साथ यहां मिल रही है ये कितनी आ गई तेरा पॉइंट दो ठीक है और ये तेरा पॉइंट चार और तेरह पॉइंट छ हमें कितना निकालना है तेरह पॉइंट छ यानी इसकी तीसरी लाइन तीसरी लाइन ये आ जाएगी महिलाओं की ये तेरा पॉइंट छ है ठीक है अब देखिए 2007, 2007 में तेरा पॉइंट पांच और बारह पॉइंट आठ तेरा पॉइंट पांच और बारह पॉइंट आठ देखिए ये तेरा पॉइंट दो तेरह पॉइंट चार तेरह पॉइंट छ और इसके बीच वाली लाइन इस तरह से आ जाएगी ये आ जाएगी 2007 की तेरा पॉइंट पांच पुरुषों की ठीक है और बारह पॉइंट आठ बारह पॉइंट आठ ये बारह है और ये बारह पॉइंट दो बारह पॉइंट चार बारह पॉइंट छः, बारह पॉइंट आठ इससे एकदम नीचे वाली लाइन आएगी और इसको अगर सीधे करें तो ये यहाँ आएगा लगभग ठीक है अब देखिए जो महिलाएं वाली है उनको डॉट से मिला दीजिए यानी इस तरह से अब यहां पर है फिर फिर यहां पर है और फिर यहां पर है ठीक है अब देखिए अब देखिए पुरुषों वाली को मिला देते हैं इस तरह से गहरी लाइन से मिला देते हैं इनको ये बन गई ठीक है अब इन ये वाली जितनी भी लाइन है उनको हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं तो ये आ गया हमारा रेखी आलेख पुरुषों और स्त्रियों की संख्या किस हिसाब से वर्षों के हिसाब से जो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या है उनकी तुलनात्मक क्या आ गया रेखी के आलेख आ गया इसमें हमने एक चीज और सीखी है जो ये पैमाने वाली है ठीक है तो ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या था हमने एक सेंटीमीटर में हमने इस तरह से ले रखा था दस और बारह तो बीच में ग्यारह आ रहा था तो इस हिसाब से हमें इस चीज हमने इस चीज को सीखा है और इस चीज को आपको ध्यान में भी रखना है कि जब दस लाइनें दो संख्या को बता रही है इस तरह से एक एक नियम आता है ना जब लाइनें दो संख्या को बता रही है तो एक लाइन कितनी बताएगी जीरो पॉइंट दो को बताएगी इस तरह से इसको भी ग्राफ में आप जब देखोगे तो अच्छे तरीके से आपको ध्यान में लग जाएगा तो हमने इस तरह से रेखिक आलेख दो संख्याओं दो अलग अलग आंकड़ों का भी रेखिक पहले हमने एक आंकड़े का यहां पर बनाया था ये वाला रेखिक आलेख बनाया था अब हमने क्या किया है दो अलग अलग आंकड़ों का भी रेखिक आलेख बनाना सीख लिया है तो बच्चों ये था हमारे अध्याय पंद्रह का भाग एक जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के आलेखों से परिचित परिचय किया जैसे कि दंड आलेख किस काम में आता है द्विदंड आलेख किस काम में आता है इसी तरह से वृत्त आलेख यानी पाई चार्ट किस काम में आता है रेखा आलेख क्या होता है वो कहाँ काम में लिया जाता है इस तरह की चीज़ें हमने भाग एक में पढ़ी है आगे जो रेखिक आलेख है उसके लिए बिंदु का बिंदु का स्थान कहाँ होना चाहिए रेखिक आलेख किस तरह से बनाया जाएगा ये सभी हम अगले भाग में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद